वेलकम फ्रेंड्स, मम्मी दा हुनर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज एक यूनिक ट्यूटोरियल के साथ हम आज के प्रोजेक्ट को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्लिप नोट बनानी है, रिंग लेनी है और 3.55 mm का हुक लेना है। इस रिंग से 11 स्टिच बनाने हैं। क्रोशे के साथ हमें इन करनी है, ऊन पुल ऑन करें, एक सिंगल क्रोशिया बनाएं, ऊन को पुल ऑन करें, एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। रिंग में से ही हमें 11 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे ओवर करना है। ये एक बहुत ही सुंदर ट्यूटोरियल है, मल्टी यूज़ है। अब इसे देखते जाइए, मैं आगे बताती हूँ आपको कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। 11 टाइम सिंगल क्रोशिया बना के स्टिच को क्रोशिया में ही रहने दीजिए और अब 1 by 1 इन्हें माइनस करना है। एक एक लूप को, स्टिच को हमें माइनस करते हुए चले जाना है 11 टाइम। ये इस तरह से सारे स्टिचेस माइनस हो जाते हैं। अब एक स्टिच हमारे क्रोशे में है, दूसरा हमें लूप में से ले लेना है। यहाँ पर 2 स्टिच हो गए, यानी 2 लूप बन के तैयार हैं। अब एक दूसरी ऊन को ऊन के नीचे से पुट ऑन कर देना है और दूसरा लूप ले लेना है हमें इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम 7 लूप हमें बनाने हैं। और फिर ये कलरिंग जो धागा है इसे बैक करेंगे इस तरह से। एक लूप और फिर ये लास्ट में बॉर्डर लूप, यानी कि 2 लूप हमें लास्ट में लेने हैं। अब यहाँ पर ये 2 लूप माइनस करने के बाद जो हमने कलरिंग धागा लिया था उसे आगे की तरफ करेंगे केवल, और फिर से उस लूप को क्रोशे में लेकर माइनस करते चले जाएंगे। यानी पूरे 11 स्टिचेस जो हैं उन्हें हम माइनस करेंगे, केवल धागे को हमने आगे किया है। अब यहाँ पर 7 स्टिच कंप्लीट करने के बाद जहाँ पे पहले इन किया था धागा वहीं पर फिर से इसे स्टिच को उतारेंगे और धागे को पीछे की तरफ कर देंगे। हमें अदर कलर के साथ कुछ नहीं करना है, केवल इन और आउट करना है और पूरे स्टिचेस उतार देने हैं। अब यहाँ पर एक लूप बनाएंगे, फिर से धागे को इन करेंगे और फिर से यहाँ पर लूप बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 और 4 4 लूप हमने बना लिए। अब यहाँ पर पैटर्न है, इस तरह धागे को घुमाएं, लूप लें और जो कलरिंग धागा है उसमें से क्रोशिया लें और इस तरह से उतार दें। ये ट्रिक आपको ध्यान से देखनी है। धागे को पीछे करें, लूप 2 बनाएं यहाँ पर, 1 और फिर एक और सेकंड बनाएं, यानी 7 लूप यहाँ पर हो गए सेंटर में। फिर धागे को पीछे करेंगे और लूप बनाएंगे, 1 और लास्ट में बॉर्डर इस तरह से। सिर्फ एक पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। फिर 2 लूप उतारेंगे यहाँ पर, 7 में लेकर उतारेंगे और उसके बाद इसे एक को उतार कर धागे को आगे करेंगे एज इट इज़। फिर
सात लूप यहाँ के जो सेंटर के हैं उन्हें वन बाय वन हमें उतार कर पूरा करना है। और अब यहाँ पर फिर से कुंदे को उतार कर जो अदर कलर्स हैं उसे बैक में ले जाना है और फिर ये लूप उतार लेने हैं दोनों वन और टू इस तरह से। फिर एक लूप बनाए, कलर को फिर से आगे करना है धागे के नीचे से ग्रीन कलर को। फोर लूप यहाँ पर वन बाय वन बना देने हैं और फिफ्थ पर पैटर्न हमें बनानी है। टू थ्री और ये फोर, और ये फिफ्थ स्टिच जो है इससे पहले धागे को ऐसे लें, लूप लें, धागा उतारें और फिर इसे स्टिच बना दें। यहीं पर ध्यान से देखना है, यही ट्रिक है, पूरी डिज़ाइन यहीं पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे ज़रा ध्यान से देख लें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक स्टिच की डिज़ाइन है और पूरी पैटर्न बनके तैयार हो जाती है, एकदम सिंपल एकदम इजी। देखिए जो पैटर्न बनेगी वो किस तरह की बनेगी, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कोई विशेष कारीगरी नहीं की है, फिर भी ये कितनी अच्छी पैटर्न बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। इस तरह से हाथ को थोड़ा सा ढीला रखें क्योंकि हमें यहाँ पर सेकंड रो में फिर लूप बनाने होते हैं, एक रो में हमें उतारने होते हैं और दूसरे रो में हमें लूप बनाने होते हैं। 11 टाइम 11 स्टिच के साथ ये पूरी पैटर्न हमने बनाई है। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक ही संख्या में बड़ा बना सकते हैं, 13 या 15 बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। और अगर पतला बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर 7 बना सकते हैं आप, तो भी इस तरह की डिज़ाइन बन जाएगी, एक ही संख्या होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पर बैग हैंडल बना रही हूँ, आप इससे बेल्ट बना सकते हैं, बैग हैंडल बना सकते हैं, हेयर बैंड बना सकते हैं, ये डिज़ाइन आपको कहीं पर भी काम आ सकती है, या फिर आप किचन भी इससे बना सकते हैं। ये ट्यूटोरियल मैंने केवल आप लोगों को सिखाने के लिए बताया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका किचन बनाने जा रही हूँ। जितना बड़ा इसे हम चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, इसकी लेंथ हमें जितनी रखनी है उतनी बना सकते हैं आप। लंबाई चौड़ाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना बड़ा, अगर लंबा बनाना चाहते हैं तो आगे और बनाते जाइए, पतला बनाना चाहते हैं तो 11 के बदले 7 या फिर 13 या फिर 15, बस इतना ही इनफ हो जाता है, इतनी डिज़ाइन आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये पैटर्न बनके तैयार हो जाएगी। केवल इसमें एक स्टिच पर डिज़ाइन है जो कि आप देख सकते हैं, उसे स्टिच को आपको ध्यान से देखना है। कोई भी बिगिनर्स क्रोशिया लवर इसे आसानी से बना सकता है, बहुत ही इजी पैटर्न है। पैटर्न इजी है पर एकदम यूनिक है, हमें अगर कुछ नया सीखना है तो थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, और जो कोशिश करते हैं वे कुछ ना कुछ यूनिक सीख पाते हैं। आज के युवा वर्ग को और स्टूडेंट्स के लिए खास, जो नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए
ये डिज़ाइनें मैं नई तरह से लेकर आती रहती हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके सुंदर वीडियो के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।